आप ईश्वर को दे सकते हैं उतनी ही देर आप ईश्वर को दीजिए, लेकिन आनंद के साथ दीजिए, खुशी के साथ दीजिए, तभी वो आपको बैठने को ग्रहण करेगा। अगर बैठ के घड़ी देखते रहेंगे तो हमारा बैठना व्यर्थ है। अगर बैठ कर हम अपने कामों को सोचते रहें तो हमारा बैठना व्यर्थ है। जिस समय आप यहाँ बैठे तो आपका दिमाग और दिल दोनों यहीं पर हो, तब खुदावन का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको जेनेसिस में चैप्टर 14 वर्स 18-20। तब शालीम का राजा मेलकिसेदेक जो परमेश्वर ईश्वर मेलकिसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाग मधु ले आया, रोटी और दाग मधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, who is the creator and the owner of the creation of the universe and the पूरे आकाश का अधिकारी है, we are talking about the most holy God। हम एक ऐसे ईश्वर की बात कर रहे हैं जो हमारे विचारों और शब्दों से कहीं अधिक महान है, उतने उसका अनुग्रह महान है, और उसका रिडेम्पशन प्लान जो मुक्ति का प्लान योजना है वो भी महान है। हम शब्दों में जैसे वही हमारे भाई बोलते हैं छंदों और अलंकारों में हम लोग उसकी खूबसूरती उसकी मानता का वर्णन नहीं कर सकते, शब्द बहुत छोटे हैं, ये भी एहसास है दिल के अंदर कि हम उस एहसास की कृपा को समझ सकते हैं कि जब आप नाम जो राखी उठाते हैं और जब उसकी आप आसमान की विशालता को देखते हैं तो उससे भी कहीं ज्यादा महान है। ये पवित्र आत्मा ही शब्द दे सकता है जो उसकी महानता को बता सकते हैं, शब्द जो है बहुत सीमित दायरा है, ये इंसानी द्वारा बनाई खा पड़िए। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य हो, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। धन्य है वो लोग तेरी शैतानी ताकतों को तेरे वश में कर दिया गया है। यीशु मसीह ने शैतानी ताकतों को जीत लिया है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहा उदास मत हो, दुखी मत हो, मैंने बीमारी को मौत को जीत लिया है। अब्राहम के सारे दुश्मनों को अब्राहम के अधीन कर दिया गया। आज शैतानी ताकतें आपको अपने आंसू बनाना चाहती है, निर्जन कर लेती है रोशनी के अंधारे से कि हम आपको रोशनी की ओर ले जाना चाहते हैं और अंधारा आप अपने पास रखना चाहते हैं। को लीजिए रसीदा सो जो हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है, हमारा महायाजक कहां से आया है? स्वर्गों से, हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर आया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, दृढ़ता से थामे रहें, अपने फेथ को दृढ़ता से थामे रहें। ये कहां से आया? जमीन से आया क्या? तो हम अपने एक्सरसाइज को जो हमें इम्प्रेस्ड की क्रिश्चियनिटी को इसको दृढ़ता से थामे रखें। अपने विश्वास पर कोई ना यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। आप हम अपने इंसान में विश्वास नहीं कर रहे, आप यीशु मसीह के नाम में विश्वास कि वो जीवित है, वो आपको देख रहा है। जब ये एहसास आपके दिल में आने लगेगा तब आपके अंदर जीवित ईश्वर का एहसास और उसका टच
पहला काम निर्भर करना ईश्वर ने दिए था। अगली मतलब नहीं है कोई नहीं, आप ये काम देखी रही है बाकी डेटा में आइएगा। क्योंकि हरेक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है। हरेक महायाजक कहाँ से लिया जाता है? मनुष्य में से लिया जाता है। मनुष्य में से लिया जाता है। लेकिन हमारा महायाजक कहाँ से आया? तो वो हमें कहाँ ले जाएगा? जमीन के लोग जमीन पर ले जाएंगे और सरकार हमारी जी हम लोग इस शरीर में रहते हुए भी जमीनी है और ऐसे बोलते हैं जहाँ पर एक जमीन और आसमान आपको मिलते हैं, एक पेड़ जैसा होता है जहाँ आप दूर से देखते हैं तो इतना कि आसमान और जमीन मिल रहे हैं। हम लोग एक आसमानी आदम के बारे में बात कर रहे हैं, आसमानी महायाजक के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें आसमानों को ले जाएगा, उसे जमीन पर रहकर मृत्यु को खत्म कर दिया। मृत्यु तेरा डर सहारा, ये बीमारी तेरा डर सहारा, भेद लो भेद लो। लिखा हुआ है मन स्त्री के पुत्र के द्वारा सब कुछ आ जाएगा, भेद लो। द सन ऑफ वुमेन शैल ब्रूज द हेड ऑफ लाइफ, तो कुछ डालेगा और लिखा हुआ मिर्ची को फन कुछ डालेगा। बीमारी आपके नाम आपके शरीर से चली जाएगी, विपत्तियां आपके घर को छोड़ के चली जाएंगी, अंधेरा आपके घर के छोड़ के चला जाएगा। यीशु मसीह के नाम, किसी इंसान के नाम नहीं बात कर रहा हूं मैं, कैसे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं उसका ना कोई आदि है ना अंत है। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरलास्टिंग क्रिएटर, जो हम नहीं होंगे, ये पृथ्वी भी नहीं होगी, आप भी नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे, लेकिन वो होगा द किंग ऑफ पीस द किंग ऑफ रिचेसनेस, धार्मिकता का बादशाह और शांति का बादशाह वो रहेगा, उसका अंत नहीं होगा और हम सब जो अपनी आत्मा का अंश लेकर उसमें मिल जाए। बहुत सी भाषा का वह नदियां समुद्र की ओर आ रही है, बहुत सी भाषाएं का बहुत सी जीव प्रॉफिट ने लिखा है, बहुत सी जीव चारों कोनों से ये लोग श्रेय की ओर आ रहे हैं, शांति की देश की ओर आ रहे हैं, रोटी की देश की ओर आ रहे हैं, बेतलहम की ओर आ रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स द सिटी ऑफ ब्रेड सिटी ऑफ लूफ, वह है कनान देश, हमारा आसमानी कनान देश। हम लोग एक डिवाइन गर्मी पर है, कौन सी गर्मी पर है? डिवाइन गर्मी पर, ईश्वरीय गर्मी पर। 22-23-24 को भी मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि हम लोग की एक डिवाइन ग्रेस कंपेन हो रही है 22-23-24 को, नाम ले लो डिवाइन ग्रेस कंपेन, डिवाइन ग्रेस कंपेन हो रही है। आप सब लोग बहुत लोगों को बुलाइए ताकि आप ईश्वर के लोगों का ईश्वर के एहसास का परमपिता परमेश्वर के एहसास को प्राप्त कर सके, उसके सानिध्य को प्राप्त करिए, उसकी अमृत वाणी को अपने जीवन में उतारने दीजिए ताकि आपका जीवन में जो जगह जुटा हुआ है वो अमर अमरता को पहन ले, हमें अमरता का रिवाज पहनना है, इमोर्टैलिटी का रिवाज पहनना है। 22-23-24 हमेशा याद रखिएगा, आगे पढ़िए। क्योंकि और मनुष्य के लिए बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है, जो परमेश्वर से संबंध रखती है वो कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, कौन सी पाप बलि? भेंट और पाप बलि चढ़ाया और पाप बलि चढ़ाया करे, एक होती है ऑफरिंग गिफ्ट ऑफरिंग आप देते हैं, एक होती है यू आर पेइंग द पेनल्टी ऑफ योर सिन, आपके गुनाहों की कीमत चुका रहे हैं और हमारी गुनाहों की कीमत यीशु मसीह ने 2000 साल पहले चुका दी, उनके समयों का कोई अंत नहीं। आप ये भी सोच सकते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे, हम तो अभी पैदा हुए नहीं,
यही मैं बताना चाहता हूँ कि वो तो 2000 साल पहले कुर्बानी से जीता है, हम तो अब इस 2000 साल बाद पैदा हुए हैं, हमारी कुर्बानी को कीमत कैसे चुका दी गई। जहां से आप आए हैं उस चीज की कुर्बानी पहले ही सीट भी चुका दी आगे, जिस जड़ से आप पैदा हुए हैं उसके गुनाहों की सीट की उसको खत्म कर दिया। और कहीं ना कहीं सनातन काल के लोगों से जुड़े हुए हम ऐसे ही आप दुनिया नहीं पैदा हुए, कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन सनातन काल के लोगों से जुड़ा हुआ। आगे पढ़िए। और वे अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। व्यवहार करता है या जब उनको समझाता है, क्रोधित भी नहीं हो पा रहे, ज्यादा क्रोध भी अच्छा नहीं है, जबकि अज्ञानी लोगों जो इग्नोरेंट है, जिनको नॉलेज नहीं है मसीहत की, जिनको धार्मिक स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, उनको नरमी से समझाना चाहिए, उनको बैठा के उनकी अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और रोशनी चमकानी चाहिए। आगे पढ़िए बहन। इसलिए कि वे आप ही निर्बलता से घिरा है। वो आप ही निर्बलता से घिरा हुआ है, मायाजन की चिट्ठी मायाजन की लिखा हुआ है कि वो आप भी निर्बलता से घिरा रहता है। ये नहीं कि हमारे रेवल मैनुअल सिंह उनको परेशानी नहीं होती होगी, वो भी परेशान होते होंगे, कोई चर्च के शेपर्ड है, चरवाहे हैं, बहुत सारे प्रीस्ट हैं, तो क्या वो निर्बलता से नहीं गिरे रहते होंगे? वो भी दुखों में रहते होंगे, वो भी बीमारियों में रहते होंगे, वो भी क्लेशों में रहते होंगे, हम भी क्लेशों में रहते हैं, बीमारियों में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं, वो तो ये शरीर में है। ठीक, उसके बाद भी जब वो प्रार्थना करने जाते होंगे तो एक एक व्यक्ति की प्रार्थना, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होगी। इस चर्च के बाद जब वो आसमानी मुकामों में होंगे तो पूछा जाएगा कि इस जगह में कितने लोग थे, कितने बच्चे हैं, ये जवाब नहीं उनकी होगी, ये जवाब नहीं ड्राइवर नॉलेज जॉब की होगी कि डबल फिल्डर में कितने लोग पहुंचे और कितने बताए गए और कितने जगह इस साइकिल में बादशाह पे मौजूद है, अकाउंटेबिलिटी का दायरा भी है। तो बोलता हूं जरूर घिरे रहते हैं। आगे पढ़िए। और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करें। अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया। अब आप कहेंगे ऐसे पाप तो करते नहीं, बस सही है, यीशु मसीह ने आप गुनाह माफ कर दिए, लेकिन जाने जाने में अपराध होते रहते हैं। एकल में आने से पहले इतना वो थ्रेशोल्ड पे, व्हेन यू स्टैंड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द चर्च, तो बाउंड्री पे अगर बैठी खड़ा है तो तेरे जो गुनहगार हैं, जिसे तुझे नफरत है, उनको वहीं से माफ कर, स्वर्गीय पिता तेरे अपराधों को वहीं पर माफ कर। पिता वो जो जमीन पर तुम करोगे तुम्हारे साथ आसमान में वही किया जाएगा। चलिए, जानने के बाद गुनाह करना कठिन होता है, अगर हम कानून जानते हैं गुनाह करना अपराध है तो कठिन है, इसलिए महायजक भी जब पाप बलि चढ़ाता तब कौन के लिए पहले अपने पापों की बलि चढ़ाता, उससे भी जाने जाने के अपराध ना हो जाए, क्योंकि वह पवित्र स्थान में खड़ा होने जा रहा है। और उस समय के पवित्र स्थान के बारे में आपको बता दूं, आप तो पवित्र स्थानों में कोई भी चढ़ जाता है, उस समय पवित्र स्थानों की यह अहमियत होती थी कि अभी पवित्र स्थान पर कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था, महायाजक स्थान में एक बार प्रवेश करते थे तो खुदा की उपस्थिति रहती थी, और अगर कोई पापी मनुष्य वहां पहुंच गया तो वो वहीं मर जाता था, वो आग शादी होती थी, उसे भसम कर देती थी, तो उसकी वहां पर पटुका बांधा रस्ता बांधा जाता कमर में, अगर उसके शरीर में आत्मा कोई गुनाह हुआ तो ये वही खराब हो जाएगा, लौ के नहीं आएगा, तो नफ्से से पूछा जाएगा। तो हमारे जीवन में ऐसा कोई गुनाह और अपराध नहीं होना चाहिए कि हमें भी नफ्से से पीछे बाहर करा जाए, हमें ये करें होना चाहिए खुदा जी कहकर बाहर खड़े हो जाएंगे, हमें कोई नहीं होगा। अब हमारे कमर पड़ता नहीं,